इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज के खबर दिनभर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिरोही के आबूरोड में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ट्रकों से लाखों रुपए की शराब की बरामद। आरोपी सीमेंट की आड़ में गुजरात ले जा रहे थे शराब। मारवाड़ के पाली में औसत से अत्यंत कम वर्षा होने से पेयजल जल संकट का अंदेशा, प्रशासन को अभी से सताने लगी चिंता। रतनगढ़ में सफाई सेवा के लिए ऑस्ट्रेलिया से हर साल जाते हैं बेनीवाल। सालासर पदयात्रियों की सेवा का है जज्बा। और संभल में पुलिस ने 250 ग्राम चरस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एक अभियुक्त मौके से हुआ फरार। और अब खबरें विस्तार से। झालावाड़ के उन्हेल के सीमावर्ती क्षेत्र सेतरा गांव में नवरात्रि के समापन पर अति प्राचीन कालेश्वर मंदिर पर भगवान नाग देवता की शाही सवारी निकाली गई। सवारी कालेश्वर मंदिर से शुरू होकर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। सवारी के जगह जगह ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्री राम चौक पर विशेष पूजा अर्चना की गई। सवारी को देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सवारी के साथ राजवीर सिंह, विजय सिंह, शांतिलाल जैन, चंद्र सिंह, धर्म जैन आदि चल रहे थे। सुमेरपुर में शुक्रवार को असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी का पर्व बड़े उत्साह उमंग के साथ में मनाने को लेकर नगर पालिका द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कल सर्वप्रथम भगवान राम सहित परिवार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई दशहरा स्थल पहुंचते ही बड़ी सादड़ी के शोरागारों द्वारा शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। वहीं इस बार काशी के आकर्षक रामलीला मंडल के सदस्यों द्वारा राम लक्ष्मण और सीता का स्वांग रचित कलाकार रावण का दहन करेंगे। रावण के लंबाई की बात करें तो पिछले वर्ष 30 फीट का रावण बनाया गया था और इस वर्ष 41 फीट का रावण निर्माण किया गया है। वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण की भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 15 फीट लंबाई बढ़ाई गई। 15 फीट का निर्माण अधिक हुआ है और सुमेरपुर शहर का यह सबसे उत्साहित त्यौहार है, जिसको देखने के लिए शाम ढलते ही हजारों की तादाद में शहर सहित आसपास के ग्रामीण उत्साह उमंग के साथ दशहरा मैदान पहुंचेंगे। पाली जिले में औसत से अत्यंत कम वर्षा होने से गंभीर जल संकट का अंदेशा है। प्रशासन को अभी से चिंता सताने लग गई है। मारवाड़ उपखंड, जो कि पाली जिले का सबसे बड़ा उपखंड है, यहां का मुख्य पेयजलापूर्ति स्रोत फूलाद, कंटालिया और सिरियारी बांध चिरपाटिया पूर्णतया सूख गया है। उपखंड में पेयजल आपूर्ति अभी से 72 घंटे में एक दफा कर दी गई। वहीं कुछ गांवों को दिया जाने वाला जवाई जल भी 5 दिन बाद मिल रहा है। प्रशासन जवाई प्रोजेक्ट पर नए नलकूप खुदवाकर पेयजल आपूर्ति पर जुटा है। वहीं आगामी सर्दी और गर्मी की फसलों की बुआई भी इस बार ना होने के बराबर होगी। झालावाड़ के अड्डक में शुक्रवार को शारदीय नवरात्र के तहत स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकालकर विसर्जित किया गया। कस्बे के डगेश्वरी माता मंदिर, शीतला माता मंदिर, मेघवाल बस्ती, चौकड़ी दरवाजा स्थित वेराई माता मंदिर, गुप्त गणेश मंदिर, महाराणा प्रताप चौक सहित एक दर्जन स्थानों पर गत 10 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं की ट्रैक्टर में झांकी सजाकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर ढोल धमाकों और डीजो के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। सभी प्रतिमाओं को समीप के ऐतिहासिक और प्राचीन तीर्थ कायानेश्वर महादेव क्यासरा स्थित बाद पर विशेष पूजा अर्चना कर विसर्जित किया गया। रतनगढ़ में स्वच्छ राज संस्था द्वारा भक्ति पथ सफाई सेवा अभियान के तहत कल सालासर जाने वाले पैदल यात्रियों के मार्ग की सफाई कर सेवा कार्य का शुभारंभ किया गया।
स्वच्छ राज्य के संस्थापक दलवीर बेनीवाल को मातृभूमि सालासर पद यात्रियों की सेवा के लिए ऑस्ट्रेलिया से खींच लाती है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में टेलीकॉम यूनिकेशन इंजीनियर पद पर कार्यरत दलवीर बेनीवाल हर वर्ष यहां पर इसलिए आते हैं कि वे पैदल यात्रियों के मार्ग की सफाई करें। भंडारों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पर रास्ते पर फैले कचरे के बारे में कोई नहीं सोचता। अकेले दलवीर ने 3 वर्ष से मार्ग सफाई करने का अभियान चलाया जिसमें कारवा जुड़ता गया और आज करीब 100 लोगों की युवा टीम बन गई है। पत्थर की तरह यूज करने के लिए उनके पास रखे। पहले साल हमें 150 ड्रम रखने पड़े, दूसरे साल में हमारी मेहनत का इतना असर हुआ कि सिर्फ 20 ड्रम रखने पड़े। तीसरे साल में जो मोबाइल सेवा लगाते थे उनके लिए हमने गत्ते के कार्टून रखे, उसके ऊपर कचरा पात्र का स्टिकर लगा करके, और आज रिजल्ट आपके सामने है। आज हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर जाके देखो तो स्थिति वैसी की वैसी है, पर इस क्षेत्र में एक भी आपको कचरे का ढेर नहीं दिखेगा। अवेयरनेस प्रोग्राम की कामयाबी से हम बहुत खुश हैं और इस साल हमने 10 किलोमीटर में मॉडल सफाई का एक्सक्लूसिव क्लीनिंग बरहद सफाई प्रोग्राम चलाया। 10 किलोमीटर यहां से सांगासर गांव तक होता है और आज भी सांगासर गांव तक हरेक पैदल यात्री यहां से चल के इतना सुकून महसूस कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और हमें इतने लोग मिले हैं कि अगले साल मैं तो समझता हूं कि 100 किलोमीटर तक ये एक्सक्लूसिव क्लीनिंग बड़ी आपको साफ सुथरी सड़कें मिलेंगी, ये मेरा अचीवमेंट है। पाली जिले की मारवाड़ उपखंड जो कि समूचे जिले का सबसे बड़ा उपखंड है, इस उपखंड की आबादी करीब 4 लाख से ज्यादा है, परंतु आज भी इस उपखंड के 24 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों पर परिवहन सेवा का इंतजार है। परिवहन सुविधा नहीं होने से आज भी ग्रामीण पैदल सफर करने को मजबूर है। कितनी सरकारें आई और गई पर किसी ने इन ग्रामों को परिवहन सेवा की सुविधाओं का तोहफा नहीं दिया। संबल जनपद की चंदोसी कोतवाली पुलिस ने अभी अधीक्षक संबल यमुना प्रसाद के निर्देशन और क्षेत्राधिकारों चंदोसी कृष्णकांत सरोज के पर्यवेक्षण में अधिकारियों के विरुद्ध कल देर रात को मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला कुरेशियान से 250 ग्राम चरस के साथ अभियुक्त शाहिद को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका सालिम निवासी कुरेशियान चांदा चंदोसी मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीसी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। मेरे मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कुरेशियन मोहल्ले में, यदि भी तत्काल आप तबीज देंगे तो वहाँ पर एक आदमी चरस बेचते हुए आपको मिलेगा। उस बात को तस्दीक करते हुए हमारे इंस्पेक्टर साहब ने स्वयं प्राइवेट वाहन के माध्यम से वहाँ तबीज दिया तो वहाँ एक व्यक्ति शाहिद पुत्र नज़र कुरैशी निवासी कुरेशियन मोहल्ला, ये चरस बेचते हुए 9:30 बजे रात मिल गया। इसके पास से 250 ग्राम चरस बरामद हुई और मौके से एक अपराधी जो भाग गया है शालिक पुत्र यासीन मोहम्मद कुरेशियन का, ये मौके से फरार हो गया, रात में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जो पकड़ा गया अभी तो साहिद के पास से 250 ग्राम चरस बरामद करके सुसंगत धारा मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। बूंदी में नवरात्र के अंतिम दिन विजयादशमी के अवसर पर श्रृंग यूथ क्लब के तत्वाधान में गणेश गली स्थित श्रृंग भवन में यज्ञ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिला पुरुषों बच्चों ने सभी ने आहुतियां दी। माता रानी की शोभा यात्रा गणेश गली से होकर सदर बाजार, चौमुखा बाजार, मोची बाजार, कागजी देवर,
चंपाबाग होती हुई जेत सागर पहुंची, जहां पर विधि विधान पूजा अर्चना के साथ माता की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। शोभा यात्रा में महिला, युवती और डांडिया करते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव पट शराब तस्करों पर नकेल कसने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आबूरोड रिको थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 18/10/18 को श्रीमान एस पी साहब के नेतृत्व सर अवैध शराब और हथियारों की धरपकड़ तो नाकाबंदी माहौल चेक पोस्ट पर चल रही थी। इसी दौरान गरीब मुझे सूचना मिली कि अबूरोड की तरफ से आपके 12 नंबर पर आ रहा है सीमेंट से लाओ, उसमें अवैध शराब हो सकती है। इस पर दौरान नाकाबंदी चेक किया गया तो राजस्थान निर्मित 150 पेटी शराब पाई गई सीमेंट के बीच में। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के बाद भाजपा कांग्रेस समेत अन्य दलों में अपने अपने क्षेत्र में विधायक की उम्मीदवारी जताने के लिए दावेदार की होड़ लगी हुई है। बात करें आबूरोड रेवदर विधानसभा की, क्षेत्र भाजपा से टिकट पाने की होड़ में मौजूद विधायक जगती राम कोहली 3 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। जगती राम कोहली रेवदर के राणाड़ी गांव के निवासी है और इस बार फिर भाजपा के टिकट की मांग कर रहे हैं। आबूरोड नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश जिंदल ने भी प्रदेश अध्यक्ष सीएम के सामने अपनी दावेदारी पेश की। सिंदल फिलहाल आबूरोड नगर पालिका के अध्यक्ष है और पूर्व भाजपा संघ एबीवीपी सामाजिक गतिविधियों में हमेशा आगे रहे हैं। सुरेश जिंदल आबूरोड नगर पालिका में मौजूदा अध्यक्ष है और शहर में सड़क पानी स्वच्छता के प्रति अच्छा कार्य रहा। सुरेश जिंदल आबूरोड के निवासी है। हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी से रेवदर विधानसभा के लिए दावेदारी प्रस्तुत की है और मेरा विज़न है कि मैं रेवदर में एक किसान और किसानों के लिए, किसान बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से किसानों की जो फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और उनको पड़ोसी राज्य गुजरात में जाकर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है, उसके लिए मैं सरकार के माध्यम से यहाँ कृषि उपज मंडी जो अभी थोड़ी मात्रा में जो काम कर रही है उसको बड़ी निर्जीव है और उसको बड़े रूप में उसको विकसित करने की प्रयास करूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक लिए आपका ही मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।